नमस्कार, आज आपको बताते हैं वो कौन से व्रत और पूजन हैं, वो कौन से देवी देवता हैं जिनका पूजन करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है तथा संतान प्राप्ति भी होती है और मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त वो कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य के सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और मनुष्य सौभाग्यशाली बनता है तथा उसके शरीर से आने वाली दुर्गंध का भी नाश हो जाता है। संक्षिप्त भविष्य पुराण में वर्णित यह कथा इस प्रकार से है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, घोर वन में, समुद्र में, संग्राम में, चोर आदि के भय में व्याकुल मनुष्य किस देवता का स्मरण करे जिससे उस संकट के समय उसकी रक्षा हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, सर्व मंगला भगवती श्री दुर्गा देवी का स्मरण करने पर पुरुष कभी भी दुख और भय को प्राप्त नहीं होता। भारत, जब मैं और बलदेव जी अपने गुरु संदीपनि मुनि के यहाँ सब विद्या पढ़ चुके तो उस समय हमने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु जी से प्रार्थना की। तब गुरु जी ने हमारा दिव्य प्रभाव जानकर कहा, हे प्रभो, मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में गया था, वहाँ उसे समुद्र में किसी प्राणी ने मार दिया। उसी पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे वापस दे दीजिए। तब हम यमलोक में गए और वहां से गुरु पुत्र को लेकर गुरु जी के समीप आए तथा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी का पुत्र उन्हें समर्पित कर दिया। तदंतर गुरु को प्रणाम कर जब हम चलने लगे तब गुरु जी ने कहा, पुत्रों, इस स्थान में तुम अपने चरणों के चिन्ह बना दो। हमने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। उसी दिन से बलराम जी के दक्षिण पाद का यानी दाहिने पैर का, मध्य में सर्व मंगला देवी का और मेरे वाम चरण चिन्ह का यानी बाएं पैर का पुत्र प्राप्ति की कामना से अथवा अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी वहां पूजन करते हैं। प्रत्येक मास को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक भुक्त नक्त व्रत अथवा उपवास रहकर मिट्टी की या सुवर्ण की इनकी प्रतिमा बनाकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मधु आदि से जो स्त्री पुरुष पूजन करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है। राजा युधिष्ठिर ने फिर से कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से शरीर की दुर्गंध भी नष्ट हो जाए और दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इसी प्रश्न को रानी विष्णु भक्ति ने जातुकर्ण मुनि से पूछा था। तब उन्होंने उनसे कहा, हे देवी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में पवित्र जलाशय में स्नान करे और शुद्ध स्थान में उत्पन्न श्वेत आख, रक्त करवीर तथा निम्ब वृक्ष की पूजन करे। ये तीनों वृक्ष भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। प्रातः काल सूर्योदय हो जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन कर उनका अपने हृदय में ध्यान करें। अनंतर पुष्प, नैवेद्य, धूप आदि उपचारों से उन वृक्षों की पूजा करें और पूजन के अनंतर उन्हें नमस्कार भी करें। हे राजन, इस विधि से जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उनके शरीर की दुर्गंध तथा उनका दौर्भाग्य दोनों दूर हो जाते हैं और वे सौभाग्यशाली हो जाते हैं। तो अगर आप इस व्रत को करना चाहें तो अवश्य करें और कल जेठ के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यदि आप चाहें तो नहाने धोने के पश्चात इन तीन वृक्षों का पूजन करें। ये तीन वृक्ष हैं श्वेत आक यानी सफेद आक, रक्त करवीर यानी लाल रंग का कनेर और निम्ब वृक्ष यानी नीम का वृक्ष। आपको मालूम है कि लाल कनेर बहुत ही ज्यादा अच्छा वृक्ष होता है, उसके पुष्प लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, सफेद कनेर और लाल कनेर, तथा पीला कनेर विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। आयुर्वेद रूप से भी इसकी बहुत मान्यता है। यदि आपको ये वृक्ष मिल जाए तो उनका पूजन करें। यदि वृक्ष नहीं भी मिलते हैं तो आप अपने मन में या उनकी फोटो की पूजा आप कर सकते हैं। धन्यवाद।